अगर इतनी महंगाई होगा ना, कटोरा लेकर भीख मांगेगा कोई मस्जिद मंदिर पे, ऐसे भीख मांगेगा। मंदिर बनवा तो दिया, अरे भीख मांगे बनवा दे। 100% योगी आएंगे, 100% मोदी आएंगे। बोलने तो अखिलेश आ रहे हैं भैया, कोई मतलब नहीं आपका, 3 सीट भी नहीं आएंगे इनके, 300 तो बहुत बढ़िया, 3 सीट नहीं आएंगे। क्यों, आप कैसे कदर है कि 3 सीट नहीं आएंगे? भगदड़ मचने वाली है, जिस दिन जो अखिलेश जी ने हरी झंडी दिखाई, भगदड़ मचने वाली सरकार गिरने वाली, आप क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, 100% योगी जीतेगी। मैं आपको बताऊं क्यों इसलिए खोली गई, लोग कह रहे थे ना कि हमारे घर में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो योगी ने एक आइडिया आजमाया, बोले हट्टी खोल के देखूं। जब हट्टी खुली ना तो लोगों की लेन लगे, फिर कहां से पैसा आ गया ये बताओ, कहां से पैसा आया लोगों के पास, कहां से पैसा आया लॉकडाउन में? कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब हट्टी खुली तो कहां से लेन लगी, कहां से पैसा आ गया तुम्हारे पास? मैं हूँ एक यादव। अरे सुनो, अरे नहीं है, हमें यादव से मतलब नहीं है। अरे सुनो, मैं एक यादव हूँ, संभल का रहने वाला हूँ, आया हूँ, ठीक है, मुरादाबाद से। मैं जब अखिलेश यादव, सुनो, मैं हूँ विकलांग, मैं कम से 450 विकलांग लेकर आया था, चाय के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए, अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम। 3 दिन वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पे हम भूखे प्यासे वहाँ पड़े रहे। झूठ बोला, बुलाओ अभी, मेरा है झूठ नहीं, एप्लीकेशन है, अखिलेश की यादव की सरकार में एप्लीकेशन लगी हुई है, और झूठ ने बोला 3 दिन पड़ा रहे, 3 दिन चलाए। सुनो, मैं अगर झूठ बोला मतलब चलते हैं अभी, अभी चलते हैं, अरे मैं कह रहा हूँ कल चलते हूँ वहाँ पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता विकास नहीं देख रही है, ये देख रही है हमारे मोहल्ले का मुसलमान शांत है, ये लोग बस हिंदू मुसलमान करेंगे और हमेशा आउट लेंगे, इतना जान लीजिए। इस बार भी जातिवादी रहेगा। अरे सुनो, अखिलेश यादव की सरकार थी ना, तो पता है लोग क्या कहते थे, कि मेरा मामा मंत्री है, मेरे ये मंत्री है, मेरा वो मंत्री है, मेरे मंत्री है। आज कौन कह रहा है कि मेरा वो मंत्री है, मेरे मंत्री है? अगर दारू भी हो, तुम क्या नाम हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? खुला है, अभी कहा दारू खुली है, पी है। क्या कहा था? अभी आप बताओ, मीडिया वाले बताओ। मैंने ये कहा था कि लोग ये कह रहे थे कि घर में हमारा खाने के लिए अनाज नहीं है, लॉकडाउन में पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो योगी जी ने एक आइडिया देखा, जब बोला तो वहां से लेकर वहां तक लेन लग गई, बोला आप कहां से पैसा आ गया ये बताओ, जब पैसा नहीं था खाने के लिए। अभी जो चप्पल पहने उसको भी खींची जाएगी, कहां खींची जाएगी? वही बता रहे हैं, अभी चप्पल जो पहने हैं अभी उनको भी खींची जाएगी। हाँ, अभी जो मोदी जी योगी जी पॉलिसी चला रहे हैं ना, अभी उसको भी खींची जाएगी तुम्हारी। पार्टी का बाकी सब इधर पार्टी के हैं। तो सरकार किसकी आ रही है इस बार, किसकी आ रही है? यादव जिंदाबाद। मैं बताऊँ की तरह, पिछली बार भी सब लोगों ने गठबंधन करा था, ठीक है, सब लोग एक हो गए थे, मोदी का योग आज तो कुछ बिगड़ पाया। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। इस बार का आगामी विधानसभा चुनाव काफी अहम होने वाला है, क्योंकि छोटे दल बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सपा ने राजभर से गठबंधन कर लिया है, वहीं कांग्रेस भी इसी ताक में लग रही है। मायावती की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, सभी पार्टियां जनता को रुझाने के लिए अपनी घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। तो इसी कड़ी में आज जनता से जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो किसे सत्ता में बिठाना चाहती है और किसे सत्ता से बेदखल करना चाहती है। कई लोगों का कहना, जैसे ये आए हुए थे इन्होंने बोला, मतलब और जो योगी आदित्यनाथ के जो भी मंत्री हैं उनका भी कहना हो रहा है कि लोगों की आय बढ़ गई है, और जिस तरह से महंगाई है, उन्होंने भी एक मंत्री थे उनके, खेल मंत्री थे उपेंद्र तिवारी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों की आय है उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम कुछ भी नहीं है, मतलब अभी कुछ भी नहीं है, आगे और भी बढ़ेंगे, मतलब आगे उनका कहना मतलब ये भी जब 100 और 200 कुछ भी नहीं है तो 1000 के पार पहुंचाएंगे क्या तेल को? ये गैस का सिलेंडर जो 1000 है कैसे 5000 का करेंगे, मतलब इनके लिए कुछ भी नहीं है फिर ये तो। जनता को तो भैया सुधा फांसी दे दो, बताइए जनता का क्या होगा? कुछ लोग सक्षम होंगे जो गैस को यूज कर रहे हैं 1000 में भी, उनको बताओ कैसे कैसे कर रहे हैं, सिलेंडर 15 दिन में, किसी का 20 दिन में खत्म हो जाता है, और वो कहने के कुछ भी नहीं है तो फिर ऐसा कैसे होगा? इससे
महंगाई इस टाइम इतनी चरम सीमा पार कर चुकी है अपनी, बहुत ज्यादा महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई 2022 में मुद्दा रहेगा, मुद्दा 100% रहेगा ये मुद्दा, और किसानों का, महंगाई का, बेरोजगारी का यही मुद्दा रहेगा। अगर इतनी महंगाई होगा ना, कटोरा लेकर भीख मांगेगा कोई मस्जिद मंदिर पे, ऐसे भीख मांगेगा। मंदिर बनवा तो दिया, अरे मांगेंगे भीख मांगेंगे, बनवा देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भीख मांगेंगे बनवाई नहीं, इतनी महंगाई, कड़वा तेल, डीजल, पेट्रोल सब, इसलिए मंदिर बनाया, इसीलिए बनाया हुआ मंदिर कि गरीब आदमी वहाँ आराम से सुविधा से बोरा बिछा के और कटोरा धर के बैठे। तो इस बार मतलब किसे लाएंगे सत्ता में, किसे लाना चाह रहे हैं आप? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश यादव ने रात भर से गठबंधन किया है तो उसका कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी नहीं मिलेगा भाई साहब, वो राजभर जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी करे मतलब बीजेपी ज्वाइन करेगा वो अपनी माँ बहन को धोखा देगा, ऐसे राजभर जी कहे। उसको बासठ पुराने बीजेपी में कर रहे हैं तो सपा से गठबंधन कर रहे हैं। अरे सपा से गठबंधन तो कर लिए, उसके पहले सपा के बारे में बोले थे ये, अब बीजेपी के बारे में बोले तो सपा के पूरे देश की बासठ नहीं सुने आप, इसके पहले वाला राजभर जी का वीडियो देखिए, अब वो बोले कि जो सपा इसमें जो शामिल होगा वो अपने प्राथमिकता छोटे छोटे दल अगर आए तो उन्हें वो अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे। एक दो पार्टी से फर्क नहीं पड़ने वाला है, पार्टी मोदी आएगा कि अगर अगर कोई शक्तिशाली है उसको हराने के लिए एक दो काम नहीं करते हैं, उसको गठबंधन होना पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब हरा नहीं पाएंगे। नहीं 100% योगी आएंगे, 100% मोदी आएंगे, बोलने का अखिलेश आ रहे हैं। मतलब नहीं भैया, कोई मतलब नहीं, आपका 3 सीट भी नहीं आएंगे इनके, 300 तो बहुत बढ़िया, 3 सीट भी नहीं, 3 सीट नहीं आएंगे क्यों? आप कैसे कह रहे हैं कि 3 सीट नहीं आएंगे? भगदड़ मचने वाली है, जिस दिन जो अखिलेश जी ने अगर हरी झंडी दिखाई, भगदड़ मचने वाली, सरकार गिरने वाली, आप क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, 100% योगी जीतेगी, आप देख लीजिएगा 2022 चुनाव में देख लीजिए। किस वजह से जिताएंगे आप ये बताइए, क्या वजह रहेगी, मतलब जिस तरह से? अरे आपकी वजह, आप अपना वजह बताइए, तुम बताओ ना दोबारा किस वजह से आ रहे हो, आपको तो बताएं दोबारा, क्योंकि आप गठबंधन देखिए, गठबंधन जो है, गठबंधन सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा क्या नहीं जीतने का? नहीं गठबंधन नहीं बनेगा, मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि राजभर जी जो धीरे धीरे पार्टियां शामिल, क्या हो जाओ राजभर जी साला, छोड़ दो ना, बताओ यार, जो आदमी गलत है उसे तो कहा जाएगा ना कहा जाएगा, ये बताओ भाई साहब। अभी भाषण में वो राजभर दिए हैं कि जितनी भाजपा सरकार जो है 2 महीने में अपना व्यय करती है उतने हमारे समाज के लोग दारू पी जाते हैं, उनका वीडियो देखिए भाई साहब, अभी लेटेस्ट तो राजभर जी ने बीजेपी और सपा से मतलब नहीं, राजभर का चक्कर, हाँ ठीक है, तो तुम घर में देखो, दारू नहीं हो तो खाना भी, भूखे मरेंगे तो खाना भी खाएंगे ना, अरे खाना दारू नाम ले लियो, लॉकडाउन में दारू छूट रहा है कि नहीं छूट रही, लॉकडाउन में दारू छूट रहा है कि नहीं छूट रहा, खाना मिला था राजन? अरे इधर सुनिए बात, 3 महीना घर में नहीं थे, घर से नहीं निकल पाते थे, क्योंकि ये हमारे दारू की बात नहीं, वो बोले कि अगर एक पत्रकार, एक महोदय ने उनसे पूछा है, उन्हें राजभर जी के पार्टी के कार्यकर्ता से पूछा गया तो बोले होटल नहीं खुला था, दारू दुकान खुली थी, वो कोरोना बचाने के लिए ना, ट्यूबवेल चालू रहेगा तो सब लोग नहाएगा, अगर बंद हो जाएगा तो नहीं नहाएगा, इसका मतलब किस लिए खोली गई थी? मैं आपको बताऊं किस लिए खोली गई थी, लोग कह रहे थे ना हमारे घर में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो योगी ने एक आइडिया आजमाया, बोले हट्टी खोल के देखूं, जब हट्टी खुली ना तो लोगों की लेन लग गई, फिर कहां से पैसा आ गया ये बताओ, कहां से पैसा आया लोगों के पास, कहाँ से पैसा आया लॉकडाउन में? कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब हट्टी खुली तो कहाँ से लाइन लगी, बताओ कहाँ से पैसा आ गया तुम्हारे पास, कहाँ से आया तुम्हारे पास, गरीब हो तो तुम्हारे घर खाने में पैसा नहीं है तो कहाँ से पैसा आया तुम लोगों के पास? हट्टी में दारू नहीं बैन करा देते, क्यों उत्तर प्रदेश में? गुजरात में दारू बैन है, गुजरात में है, बिहार में है, बिहार में है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं दारू बंद कराते उत्तर प्रदेश में? अगर एक सुनो, एक राज्य में अगर दारू बैन है ना, एक ऐसा सुनो, दारू बैन है बिहार में, दारू बैन है तो क्यों बैन नहीं कराते हैं? हिंदुस्तान में अगर दो चार, हिंदुस्तान की बात अभी जो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हो उसकी बात करो, पहले दारू की बात करो, तुम क्यों नहीं बैन कराते? सुनो हिंदुस्तान में अगर 4 राज्यों में उनकी अर्थव्यवस्था उसी से चलती है, समझे? सुनो हाँ, अगर 4 राज्यों में दारू बैन है, ऐसा कोई दूसरा कोई देश है जिसमें पूरी दारू वैध हो? हाँ तो क्यों, केंद्र में सरकार है उनकी, क्यों नहीं करते? लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, पूरे देश में बैन कर दे। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे सुनो, मैं हूँ एक यादव, अरे सुनो, यादव से मतलब नहीं है, हमें यादव से मतलब नहीं है,
अरे सुनो, मैं एक यादव हूँ, संभल का रहने वाला हूँ, आया हूँ ठीक है मुरादाबाद से। मैं जब अखिलेश यादव, सुनो मैं हूँ विकलांग, मैं कम से 450 विकलांग लेकर आया था, क्या के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए। अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम, 3 दिन वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पे हम भूखे प्यासे वहाँ पड़े रहे। झूठ बोला था यार, भूख झूठ बोला, बुलाओ अभी बुलाओ, बुलाओ, मेरा है झूठ नहीं, एप्लीकेशन है, अखिलेश की यादव की सरकार में एप्लीकेशन लगी हुई है, आरोप झूठने वाला, 3 दिन पड़ा रहा, 3 दिन चलाए। सुनो बोला था सीधे, मैं अगर झूठ बोला मतलब चलते हैं अभी, अभी चलते कालिदास, अरे मैं कह रहा हूँ कल चलते हैं वहाँ पे चलते हैं। हम बताए आपसे एक बात बताए, पी गए हो तो एक मिनट टाइम दीजिए। यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता विकास नहीं देख रही है। एक मिनट भैया, एक मिनट, उत्तर प्रदेश की जनता विकास नहीं देख रही है, ये देख रही है हमारे मोहल्ले का मुसलमान शांत है, ये लोग बस हिंदू मुसलमान करेंगे और हमेशा वोट लेंगे, इतना जान लीजिए। इस बार भी जातिवादी रहेगा। अरे सुनो सुनो सुनो, अखिलेश यादव की सरकार थी ना तो पता है लोग क्या कहते थे, कि मेरा मामा मंत्री है, मेरे ये मंत्री है, मेरा वो मंत्री है, मेरे मंत्री है। आज कौन कह रहा है कि मेरा वो मंत्री है, मेरे मंत्री है, आज कौन कह रहा है ये मंत्री है, मेरा वो मंत्री है, अखिलेश यादव की सरकार में राजनाथ सिंह का लड़का विधायक नहीं है, मेरा ये मंत्री है, वो मंत्री है, राजनाथ सिंह का लड़का विधायक नहीं है, कोई जो जितने भी नेता मंत्री बैठे हुए हैं केंद्र में, क्या उनके लड़के नहीं है, सबके लड़के हैं उसमें। अभी अखिलेश यादव की सरकार 50 कहने वाले जाएंगे कि मेरा ये मंत्री है, मेरा वो मंत्री है, सपा की सरकार बनेगी तो सपा क्या कहेंगे, अब तुमने कमल का फोन हमने कही है, तो बताओ कौन सा कही है, मेरा घर में कौन सा मंत्री है। भक्ति से ऊपर उठिए, अखिलेश यादव की होगी, मंत्री के लड़के ने, मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। हाँ ये बताऊंगा मैं, बताऊंगा, अरे हाँ मैं बताऊंगा, आप मीडिया वाले हैं कहीं जा रहे हैं, अगर तुम एक तरफ की किसी तरफ को कर रहे हो, एक पार्टी वाले अगर तुम जा रहे हो और सर रास्ते में, हाँ सुनो मैं बताऊंगा, अगर मैं अपनी मुझे मारने आएंगे, अपनी जान बचाऊंगा तो कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, अपनी जान। वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में जो किसान है वो शांतिपुर जा रहे हैं, ये देखो कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से भाग रहा है मारने के लिए, मैंने देखा अखबारों में पढ़ा, कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से भाग रहा है, कोई इन्होंने भैया कह रहे मैंने अखबार में देखा है, अखबार में देखते पढ़ते हैं और क्या, अरे वीडियो में देखा है ना, फोटो में पढ़ने के लिए फोटो बड़ा है ना, हाँ देखो देखो दिखाओ। अब मेरी बात सुनो गौर से, एक बात सुन लो, और ये भैया कह रहे थे, सुनो एक मिनट, ये कहते हैं सुनो एक मिनट यार, ये भैया कह रहे मैं विकलांग, मुझसे नहीं, मैं अभी भी, अरे सुन तो एक मिनट, मैं अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल आया हूँ, और जो तुम आप विकलांग कह रहे हो, महिला और विकलांग का मान सम्मान करते, गाड़ी में से उतर कर लग बुला कर बात करी उन्होंने, और हम जैसे जो नौजवान है सबसे ग्रिल का बाहर मिल गया, सबसे हाथ मिला कर बातचीत करिए, क्या बात करने आ रही है, और जब मुख्यमंत्री थे तब भी वे मिलते थे, और जब मुख्यमंत्री उससे ज्यादा और मेहनत कर रहे हैं फिर मिल रहे हैं वो, ये कह रहे मिल नहीं रहे यार, याद हो मैं तुम यार ना, मुझे याद हो, सुनो तुमने कह ली, जब मैं अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक बस लेके हम विकलांग 400 करीब विकलांग, अरे सुनो मुरादाबाद से, मुरादाबाद संभल से दो जगह था रामपुर में, सुनो अखिलेश यादव के यहाँ पे सीएम ऑफिस पे, सीएम आवास पे 3 दिन पड़े रहे, अखिलेश यादव ने हमसे नहीं मिला, 3 दिन के बाद में एक गार्ड आते, पता है क्या कहते हैं, कि आप अपनी एप्लीकेशन दे दो, सुन लो, हाँ प्रूफ है, बता दूंगा मैं, बताऊंगा, अरे दूंगा दिखाऊंगा, तो जब उन्हें कहा तो गार्ड आया तो बोले अपनी एप्लीकेशन दे दो, हम मंत्री जी को दे देंगे, ठीक है, हमने देखे आ गए, कल में आया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो पता है 2 घंटे नहीं लगे, अंदर बुला लिया, चाय पिलाई थी और आराम से बैठा है, नहीं हाँ अंदर जाके, अंदर 2 घंटे नहीं बैठने दिया, बाहर सुबह मैं 6:30 करीब पहुंच गया, कल की बात बता रहे हैं, नहीं आज फोटो है? आज फोटो है? काय का फोटो, मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री ऑफिस में अगर तुम मोबाइल ले जा सकते हो, मीडिया कोई मंत्री भी फोटो वहाँ मोबाइल नहीं ले जा सकता, मुख्यमंत्री जी के पास में रहता कैमरामैन फोटो खींचता है, क्यों कौन ले जाता, मुख्यमंत्री जी के पास कैमरा, अगर कैमरामैन है तो हर किसी को फरियाद को फोटो खींच खींच के देगा, वो तुम फोटो खींच खींच के देते हो हर किसी को, क्या वो देते, अगर तुम मीडिया, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री ऑफिस में पहुंचा दूं, सुनता
तो हर किसी को फोटो खींच खींच के दोगे क्या आप बताओ? आज मैं गया, मुझे बैठाया, मेरी फरियाद सुनी, फरियाद सुनी आज, और चाय भी पिलाई और आराम से भेजा, दो घंटे और आगे कैबिनेट मंत्री बनाने का वादा किया भैया का, जितनी मेहनत कर रख दिया क्या एमएलसी बनाकर डायरेक्ट कैबिनेट? अरे योगी, योगी एक बार मंत्री बने हैं, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव तीन तीन बार, अखिलेश यादव एक बार, मुलायम सिंह दो बार, तुमने तुम्हें आज तक मंत्री ना बना पाया। आदमी खड़ा है, बाकी सब विद्रोह पार्टी के से जाने दीजिए। मैं किसी का यह बात चल रही है, यह आदमी आजाद है अपने मन की कुछ भी कह सकता है, तुम कह सकते हो तो हम भी कह सकते हैं, ये सब तुम्हें यहाँ जनता को रोक नहीं सकता। अगर दारू पी, तुम क्या नाम हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? दारू खुली है, क्या कहा था? अभी आप मीडिया वाले बताओ, मैंने ये कहा था कि लोग ये कह रहे थे कि घर में हमारे खाने के लिए अनाज नहीं है, लॉकडाउन में पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो योगी जी ने एक आइडिया देखा, जब खोला तो वहां से लेकर वहां तक लेन लग गई, बोले आप कहां से पैसा आ गया ये बताओ, जब पैसा नहीं था खाने के लिए। अभी जो चप्पल पहने उसको भी खींची जाएगी। कहां खींची जाएगी? हां वही बता रहे हैं, अभी चप्पल जो पहने हैं अभी उसको भी खींची जाएगी। हां अभी जो मोदी जी योगी जी पॉलिसी चला रहे हैं ना, अभी उसको भी खींची जाएगी तुम्हारी। तुम एक ही पार्टी के, भाजपा का, बाकी सब विद्रोह पार्टी के हैं। हटो यहां से। तो क्या सरकार किसकी आ रही है इस बार, किसकी आ रही है? अखिलेश यादव जिंदाबाद, पिछली बार भी सब लोग ना गठबंधन करा था, ठीक है, सब लोग एक हो गए थे, मोदी का योग आज तो कोई बिगाड़ पाया बताओ? मोदी की बात ना, अखिलेश की बात, चले मोदी की बात नहीं देखेंगे, पहले 2022 में दिवाली से पहले पहले मोदी की हवा है, मोदी की हवा है, मोदी का रास्ता सेंट्रल तक जाता है, सेंटर जाता है यूपी का रास्ता, और 2022 से पहले जो दिवाली है इसमें सफाई चल रहे हैं, और योगी जी ने जो धुएं से जो रंग रखा है ना अपना मुख्यमंत्री आवास, उसकी भी सफाई चल रही है, चिलम से कर रखा है ना वो गंदा, उसकी भी सफाई चल रही है। जैसा कि आपने देखा, हमने जनता से बात कराई, जनता में काफी आक्रोश है योगी आदित्यनाथ के जो 4.5 साल में जो कामकाज हुए हैं उसको लेकर जनता संतुष्ट नहीं है, जनता लगातार आक्रोश दिखा रही है, और सत्ता 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करने की मिजाज में आ चुकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में लौटेंगे या फिर अखिलेश यादव की वापसी होगी। कैमरा पर्सन इमरान हैदर के साथ मैं अंकित तिवारी, लखनऊ।